नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तीन दफा कसम खाई, वल्लाहि ला यूमिनु, वल्लाहि ला यूमिनु, वल्लाहि ला यूमिनु, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। वाकया यह कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि सहाबा कैसे लरस गए होंगे, कांप उठे होंगे। कौन वो बदबख्त है, कौन वो शकी है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल तीन दफा कसम खाकर फरमा रहे हैं कि वो साहिब ईमान नहीं। कीला मन या रसूल अल्लाह, किसी ने डरते डरते पूछा होगा, अल्लाह के रसूल किसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं? अब जवाब सुनिए, अल्लज़ी ला यामनु जारहू बवायकहू, वो शख्स के जिसकी ईजा रसानी की वजह से, जिसकी बदखुल्की की वजह से उसका पड़ोसी अमन में नहीं है, ये कोई गुनाह कबीरा है? आपकी फेरिश्त में तो गुनाह ही नहीं, कबीरा क्या सवाल, सगीरा भी नहीं। ज्यादा आप ये कहेंगे कि जरा बद अखलाकी है, कजखुल्की है, बस अच्छा किरदार का मामला नहीं है, ये कहेंगे, गुनाह की फेरिश्त में नहीं आएगी बात, कबीरा बहुत बड़ी शे। लेकिन इस पर अल्लाह के रसूल ने तीन दफा कसम खाई, ईमान नहीं है, हरगिज नहीं है, खुदा की कसम नहीं। अब बताइए, ईमान और अमल अलहदा हो जाएंगे क्या? यह है मसला जो इमाम बुखारी के सर पे है। और सुनिए, फरमाया हजरत अनस इब्ने मालिक ने, यह रिवायत जो मैंने आपको अभी सुनाई है ये कोई ऐसी वैसी रिवायत नहीं है, मुत्तफकुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद, इससे ऊंचा दर्जा रिवायत का है ही नहीं। रावी कौन? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, उनकी वालिदा लेकर हाजिर हो गई, ये बच्चा हुजूर आपकी खिदमत में रहेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके पास रहेगा, ठीक है। वो हुजूर के खादिम खास है, जैसे जाती कोई होता है मामलात में मदद करने वाला, खिदमत करने वाला, वो है अनस इब्ने मालिक। क्योंकि उनका तारुफ हो गया है रजी अल्लाह ताला, तो एक बात पहले और सुना दूं, जो बच्चा अपने उस बचपन से लेकर 9 बरस की उम्र थी जब आए हुजूर के पास, इंतकाल के वक्त उम्र कितनी होगी, 19 बरस, 10 बरस हुजूर की खिदमत में रहे, पहले तो हुजूर के अखलाक की जो गवाही वो दे रहा है वो उसकी जबान से सुनिए कि मैं 10 बरस हुजूर की खिदमत में रहा, किसी बात पर डांटना तो कुजा, हुजूर ने कभी मुझसे ये भी नहीं फरमाया कि अनस तुमने वो काम क्यों नहीं किया। यह है एक आका की हैसियत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, अगर नहीं किया खुद कर लिया, कोई डांट डपट नहीं। हालांकि बच्चे हैं, बच्चों को वैसे भी डांट डपट दिया जाता है, लेकिन नहीं। अब उन सहाबी की एक गवाही सुनिए, कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काल, फरमाते हैं कि शाज ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हुजूर ने कभी खुतबा इरशाद फरमाया हो और उसमें ये अल्फाज ना हो। अल्फाज समझ रहे, जब भी खुतबा देते थे आप ये अल्फाज जरूर फरमाते थे, शाज कभी रह जाए तो रह जाए, कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काल, क्या फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू, जिस शख्स में अमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं, जिसमें ईफाए अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं, बना फिरता हो वो दीनदार, बना फिरता हो वो साहिब ईमान और उम्मती हुजूर का, अमानतदारी नहीं तो ईमान नहीं, ईफाए अहद नहीं तो दीन नहीं। किसका फरमान है? किसी आज के जमाने की मुफ्ती की बात ना समझ लीजिएगा कि जिसको आसानी से आप चाहे तो रद्द कर दें, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सुनिए, फिर एक मुत्तफकुन अलैह रिवायत, बुखारी और मुस्लिम की, रावी फिर कौन है? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला,
फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी व हुवा मोमिनुन वला यस्रिकु सारिकु ही न यस्रिकु व हुवा मोमिनुन वला यश्रबु अल-खमरा ही न यश्रबु व हुवा मोमिनुन। कोई जानी हालत ईमान में जिना नहीं करता। कैसे मुमकिन है? ईमान हो और जिना हो जाए, फिर वो ईमान धेले का हुआ? क्या कदर कीमत उस ईमान की? वो तो उठाकर फेंक देने की चीज है। ईमान और अखलाक पे असरअंदाज ना हो, ईमान और किरदार को ना बदले, ईमान और अमल को ना बदले, तो किस मरज की दवा? फेंको उठाकर। नहीं मुमकिन के ईमान हो और जना हो, नहीं मुमकिन के ईमान हो और चोरी हो। ना यस्रिकु सारिकु ही ना यस्रिकु व हुवा मोमिनुन। कोई चोर हालत ईमान में चोरी नहीं करता, कोई शराबी हालत ईमान में शराब नहीं पीता। वला यश्रबु अल-खमरा ही ना यश्रबु व हुवा मोमिनुन। कोई शराब पीने वाला वो मोमिन नहीं होता जब वो शराब पी रहा होता है, उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है। अब देखिए यहां क्या मैंने कल बताया था ना, मुगालते क्या हो गए? मुगालते ये हो गए कि इसको समझ लिया कानूनी बात, ये कानूनी बात नहीं है। वो कानूनी ईमान की बात नहीं हो रही, ये हकीकी ईमान की बात हो रही। कानूनी ईमान की बात हो तो ये काफिर हो गया, फिर काफिर नहीं है। कानूनी ईमान का दारोमदार कौन पर है? ये वो हकीकी ईमान है, कल्बी यकीन वाला ईमान, उसके बारे में फरमाया जा रहा है। वो दिल से निकल जाता है तो गुनाह हो सकता है। एक और हदीस में हुजूर ने इसको और वाज़े कर दिया, जब कोई